नमस्ते पेरेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश कुमार पंडा, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल ट्रिब्यूट क्लासेस। आज क्लास 9 का फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, आज वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था बच्चे लोगों से कि आज जैसे भी करके हम आपका वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में मोशन के चैप्टर का। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी कितने प्रकार के हैं, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, ओरिजिन किसको बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, बस आज इतना सीखने वाले, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग बचपन में पढ़ते हुए रहोगे, व्हाट इज मोशन। तो कोई भी बोलता है सर, अगर आप इंग्लिश में सीखोगे, अगर थ्री इडियट के जैसे, तो इंग्लिश में अगर किसी से पूछो तो इंग्लिश में वो बताएगा कि सर अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट आई थिंक सो ये डेफिनेशन आपका 7th-8th तक ठीक है, क्योंकि अभी आप अपने बड़े हो गए हैं। इस डेफिनेशन क्योंकि अभी हम लोग जो भी सीखेंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सीखने वाले हैं। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर मोशन का एक डेफिनेशन लिखे हैं, इट्स अ मोशन, क्लास 9। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू, इसको एब्रेशन में जीके के तौर में गिनती किया जाता है, WRT, जिसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। द सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर द मोशन। जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइट जानोगे तभी मोशन सीख पाओगे। अब देखिए, मेरे यहाँ पे घर में अभी लाइट है सपोज, तो अगर यहाँ से तितली अगर उड़ के जाएगी, चाहे कोई भी कलर की हो, तो लाइट है, मैं तभी मोशन को देखने पाऊँगा कि तितली उड़ रही है। अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे उसमें पता नहीं चलेगा कि मोशन है क्या, हाँ या ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ही धासु तरीके से। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, पूरा मोशन आपके दिमाग में छपा दूंगा। ऑलरेडी जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उन लोगों को पता हुआ रहेगा कि मेरा एग्जाम्पल क्या रहता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो देखिए बच्चा लोग, एक कौवा है सपोज उड़ रहा है, हाँ ना, एक कौवा है सपोज उड़ रहा है, तो अगर दोपहर में या सुबह के टाइम में अगर कौवा उड़ेगा तो अपने को इजीली दिख रहा है, लेकिन वही कौवा अगर रात को उड़ रहा है तो अपने को दिख नहीं रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तो मोशन में ही है, डिफरेंस फिर क्या है। डिफरेंस ये है कि उसका वॉलपेपर अच्छे से सेट नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में अगर मेरा जो टाइम क्लॉक डे मुझे बताता है, अगर वो वाइट इन कलर का रहेगा और मेरा वॉलपेपर भी मोबाइल फ़ोन का वाइट इन कलर रहेगा, तो मुझे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो ये होता है मिसमैचिंग। मीन्स इससे अपने को ये पता चलता है कि अपना सराउंडिंग भी अपने को पता रहना चाहिए कि व्हाट इज मोशन। सो द बेस्ट थिंग इज दैट वी नो दैट ऑलरेडी, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, यस यहाँ तक पता चला, बट WRT विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, इसका सराउंडिंग भी हमें पता लगना चाहिए। सर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अच्छे देते हैं, और कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए, और भी अच्छे से एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप गाड़ी में जा रहे होगे, सपोज कभी कभी आप कार में सफ़र करते हो, अदरवाइज बस में सफ़र करते हो, आप लोग कभी देख रहे होगे जब गाड़ी चलता है स्पीड में जाता है, तो आप तो बैठे रहते हो, आप तो रेस्ट कंडीशन में हो, लेकिन कभी आप खिड़की की तरफ झांक के देखो तो वहाँ का ट्री आपको ऐसा लगेगा, आपका वहाँ का पेड़ आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो लोग चल रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे लगता है ना बहुत जन को। तो देखिए बच्चा, इसमें क्या है, उसी को तो बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो आपको सराउंडिंग मतलब उस पेड़ के पीछे या तो नीला आसमान रहेगा, या तो पहाड़ रहेगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा वॉलपेपर बैकग्राउंड रहेगा जो कि हमें पता चलने देता है कि हम लोग गाड़ी में रेस्ट कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन क्या जा रहा है, पेड़ सब निकल रहे हैं। और एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक कार ए है, सपोज पकड़ लीजिए ये कार ए है और ये कार बी है, और ये सिंगल रोड है, कार बी आपसे आगे निकल रहा है। कार बी में जो बैठा है एक बंदा, सपोज उसका नाम शिबू है, सपोज उसका नाम क्या है, शिबू है। तो जरा दिमाग में अभी आप डाल लीजिए
कि शिबू को पता नहीं है कि कार भी कितना स्पीड में चल रहा है, लेकिन शिबू को इतना जरूर पता है कि कार ऐसे आगे है मतलब इसका इससे स्पीड से हम ज़्यादा हैं, इसका स्पीड से हम ज़्यादा हैं। और सपोज अगर यहाँ पर अगर कोई एक लड़की बैठी है जिसका नाम है दीपाली, क्या है दीपाली, और दीपाली को पता नहीं है कि कार ए में कितना स्पीड है, लेकिन दीपाली को इतना जरूर मालूम है कि हम कार बी से पीछे है, तो ये मालूम कैसे चलता है? ड्यू टू मोशन, क्योंकि दोनों लगातार वही सेम स्पीड में चल रहे हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग आगे जाके जिक्र करेंगे कि इसमें क्या ऐसा रहस्य है कि किसी को, जैसे कि अपने ट्रेन में बैठे हैं कि बस में बैठे हैं, अपने को पता नहीं चलता है कि अपना स्पीड कितना, लेकिन इतना जरूर देखते हैं कि बस में बैठे हैं लेकिन साइड से एक मोटरसाइकिल वाला स्पीड से निकल गया, और जो स्पीड से निकल जाता है वो पूरा निकल जाता है। बात समझ में आया? जो स्पीड से निकलता है वो पूरा निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि धैर्य रखिए, पढ़ाई में भी, जर्नी में भी, और मोशन में भी। मेरा आज मोशन पढ़ाने का यही एक मकसद है। लास्ट में मेरा मोरल थिंक क्या है मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सपोज कार ए 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है और कार बी 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, दोनों ही मोशन में, दोनों ही मोशन में। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये फिर मोशन को किस तरह डेफिनेशन देगा, ये चीज़ फिर मोशन को किस तरह डेफिनेशन में लाएगा? कुछ नहीं है बच्चा, जानने वाला चीज़ कुछ नहीं है। हम आपको पहले ही एक बार एकदम उदाहरण में समझा दिए थे कि देखिए कैसा है। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब कार भी कार ए के जगह में था तो कार भी यहाँ से चेंज किया पोजीशन, मतलब आगे जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से इसका स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए दोनों एक ही आवर में गिनती हो रहा है, दोनों एक ही आवर में गिनती हो रहा है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देते हैं तो मेरा भी घड़ी में वही टाइम में एग्जाम मिल रहा है और मेरे दोस्त वाला बगल वाला भी घड़ी में वही टाइम चल रहा है, लेकिन तकलीफ ये हो जाता है कि दोनों ही मोशन में लिख रहे हैं, लेकिन चीज़ क्या, हम कमती मेहनत किए हैं तो इसीलिए हम पीछे रह गए हैं, मेरा पेपर छूट गया है, और ज़्यादा मेहनत कर रहा था तो इसीलिए उसका पेपर अच्छा निकल गया है और ठीक टाइम उसका पेपर सही सजावट में चले गया है। मतलब यहाँ पर चीज़ मेरा बोलने वाला क्या है कि मौसम हमेशा सराउंडिंग को रेस्पेक्ट देता है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। टाइम तो हमेशा सबके लिए रेस्पेक्ट देने वाला चीज़ है, आप टाइम में काउंटिंग करिएगा, ठीक है। तो ये होता है टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। अभी हम इसके ऊपर भी और एक धासु एग्जाम्पल देंगे, लेकिन बाद में देंगे, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद देंगे। तो आप अभी आप समझ में आ गए कि कार ए भी कंटिन्यू चल रहा है, कार बी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कार भी 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में कंटिन्यू, मतलब वो एक घंटा में 65 किलोमीटर कवर कर रहा है और कार ए एक घंटा में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है। मींस दे ऑल आर इन रेस्पेक्ट बट द रेस्पेक्ट मींस दे बोथ आर इन मोशन कंडीशन बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ये अपना टाइम संभाल रहा है, वो अपना टाइम संभाल रहा है। उसी प्रकार अगर सपोज ये कार है तो बीच में से कोई बाइक अगर आ गया, तो सपोज एक बाइक आ गया, सपोज बीच में हम यहाँ लिख देते हैं एक बाइक वाला आ गया और बाइक पूरा एकदम 100 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा है, रफ्तार में जा रहा है, तो ये जब जाएगा तो ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा, मतलब इसका और काउंटिंग नहीं, ये कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा अगर जा रहा है तो जरूरी है कि ये हमारा रेस्पेक्ट से आगे में, जैसे कि कार भी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो किसका रेस्पेक्ट से आगे में है ना, इज कम्पेयर टू कार है, कार भी आगे में है। वैसे अगर कार बाइक है तो बाइक किसका रेस्पेक्ट में आगे में अगर ये कंपेयर करेगा तो इसका, तो अगर करेगा तो इसका मतलब वो इधर आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए बाइक इज कंपेयर टू ए द बाइक इज फास्टर देन ए, और अगर बी से करेगा देन ऑल्सो फास्टर देन बी। तो सराउंडिंग के लिए एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब इसका चीज मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं अगर किसी को अगर बोलूँ कि बच्चा ये बोर्ड को हटा के वहाँ रख दीजिए, तो आपको पता चलना चाहिए कि बोर्ड यहाँ है तभी तो हटाओगे, मेरा बात समझ में आएगी नहीं। तो इसीलिए इसका मतलब होता है इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, जिसको बोला जाता है रेफरेंस एंड ऑरिजिन पॉइंट। ये क्या रेफरेंस और ऑरिजिन पॉइंट का क्या क्या मामला है? देखिए सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस ऑरिजिन दोनों एक ही चीज़ है, सिंपल। अरे बातों में ले लो यार, इतना क्या दिमाग लड़ाना है। सबको आपको बोलते हैं ना कि सर हम लोग कौन सा बुक रेफरेंस करें, बोलते हैं कि नहीं? आप टीचर से पूछते हैं कि सर आप कौन सा बुक मतलब रेफरेंस करें, एनसीईआरटी बुक कर लो, आरडी शर्मा कर लो, एसचंद कर लो, ऑल इन वन। तो रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप उसको इज्जत दीजिए, मतलब उसका जो कंडीशन है वो जहाँ पर स्थापित है आप उसको लेके उठा के पढ़िए ना,
तो वैसे जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको ट्रिब्यूट क्लास खोजना है तो यहाँ पर एक आपको रेस्पॉन्स मिलेगा कि यहाँ पर एक बैरक्स हाई स्कूल है, उड़िया मीडियम स्कूल है, आप वहाँ जाके मुझे फ़ोन करिए, तो वह आदमी को एक रेफरेंस और एक ओरिजिन पॉइंट मिल गया। तो बस यहाँ का ओरिजिन पॉइंट क्या है, जैसे कि अगर सपोज हम पीछे हैं, अभी देखिए धीरे धीरे से समझिए, सपोज ये हो गया कार डी, ये पीछे है और इसको एक मतलब उसके पीछे और एक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, सपोज समझ लीजिए ट्रक, ट्रक सी आ रहा है, तो ट्रक सी फोन किया कार बी को, सॉरी कार ए को, कि हमें कौन सा दिशा में जाना है, तो ये इसको ना उल्टा में रेफरेंस भेजा, तो कार डी वाला इसको उल्टा में रेफरेंस भेजा कार ए वाला, कि जहाँ कार डी जा रहा है ना उसका पीछे को फॉलो करो, और हम लोग जहाँ रुक जाएंगे उसको बोलते हैं रेफरेंस और ओरिजिन पॉइंट। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि हम लोग गांव जाते हैं कि कहीं भी अगर जाते हैं, अगर हम लोग अगर होटल अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलता तो हम गूगल मैप में सर्च मारते हैं। मैं आजकल डिजिटल एग्जांपल भी देने में सक्षम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिजिटल एग्जांपल देने। तो जैसे कि आप प्ले स्टोर चले गए तो आपको पता चलेगा कि मुझे प्ले स्टोर जाने से फेसबुक ओपन मुझे मिलेगा, हम प्ले स्टोर जाएंगे तो हमें इंस्टाग्राम मिलेगा। तो वही चीज़ है, अभी वही चीज़ हो गया है अभी हम लोग के अंदर। तो और जाने का तो जिसके पास है, अभी सपोज मुझे खोजना है कि राजेश सर का इंस्टाग्राम क्या है, तो आप डायरेक्ट मार दो, तो आपको कहाँ मानना है, रेफरेंस पॉइंट में मानना है, आप वहाँ पर जब राजेश सर मारोगे तभी मेरा इंस्टाग्राम खुलेगा, ठीक है। और जहाँ लिखा रहेगा जीरो पोस्ट लेकिन 200 से ऊपर फॉलोअर, ये लिखा रहेगा आपको, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए दो चार वीडियो भेज देंगे डांस वाला। अब मेरा बात समझ में आया, तो चलिए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। द पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट बताइए जिससे कि उसे रेफरेंस के लिए उदाहरण के सहित दिया जाता है। जैसे कि घर में हम अगर रहते हैं तो पंखा तो हम लोग यहाँ वहाँ इधर ये चारों कोना में तो नहीं लगाते ना, एक रेफरेंस पॉइंट रहता है घर में बनाने के लिए, जहाँ बीच में पंखा लेकर और सब एकदम रेफरेंस पॉइंट के साथ उसको मतलब उदाहरण के सहित उसको उसको क्या करें, मतलब उपलब्ध करें। सो द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट व्हिच इंग्लिश में बहुत डिफरेंट होता है, अबाउट मतलब जिसके बारे में जानने के लिए रहता है, द पोजिशन किसका है? जिसके बारे में जानने के लिए रहता है, अबाउट व्हिच द पोजिशन। जैसे कि आपको ट्रिब्यूट क्लास जानने के लिए तो इसमें लिखना है अबाउट व्हिच द पोजिशन, आपको ट्रिब्यूट जानना है तो आपको पता चलेगा अगर ट्रिब्यूट है तो बरमपुर में आपको गूगल मैप मारोगे तो गूगल मैप में आपको दिखाएगा ट्रिब्यूट का है, वो पर्टिकुलर पॉइंट की जगह में वो स्टॉप कर देगा। अब द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, जहाँ हम लोग डिफाइंड में आके पहुँच सकते हैं। तो डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैं लुचा पड़ा हूँ और मुझे आना है गांधीनगर थर्ड लाइन, तो मुझे वहाँ से क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट उठाना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, मुझे पहले साई कॉम्प्लेक्स में पहुँचना है जो कि फेमस है, मतलब वो रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए, वहाँ से मैं पूछूंगा कि मुझे गांधीनगर थर्ड लाइन कहाँ पर है। अभी हम लोग आगे पहुँच गए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इससे पहले आपको क्वांटिटी समझना पड़ेगा। क्वांटिटी देखिए यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा होगा स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में है क्या, क्वांटिटी टू टाइप्स का है बच्चा, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो देखिए बच्चा स्केलर और वेक्टर क्या है, देखिए बहुत लंबा नहीं जाएंगे, बहुत इजी से समझाएं क्योंकि आज खाली जस्ट बेसिक नीडेड चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। कल से हम बहुत ही बढ़िया से आपका जो भी डाउट रहेगा आप व्हाट्सएप में मुझे भेजिए, मैं आपको और भी क्लियर से बताऊंगा, लेकिन आज कल जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास है, ठीक। कल जस्ट कॉन्सेप्ट कि मेरे से आप समझने पाते हो कि नहीं, अच्छे से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए बच्चा स्केलर का मतलब होता है कि इट्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, इसको बहुत जो डायरेक्शन भी बोलते हैं, बट आई थिंक सो डायरेक्शन इज राइट। तो देखिए स्केलर का मतलब ओनली, अच्छा अभी आप समझिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिसको तोलना, जानना, गिनना। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको मम्मी बोली कि बच्चा जाके दो के जी आलू ले आ, तो आप 2 kg आलू ले आओगे तो आपको पता चलेगा कि आलू 2 kg लाना है। जैसे अगर आम का भी सीजन चल रहा है, अगर आम आया और अगर आपको अगर घर वाले बोले कि बच्चा अभी आम जाके नीचे जाके जाते हो बेटा आम ले आना 1 kg, तो आप क्या मांगोगे जाके अंकल से, 1 kg आम दीजिए, ठीक है। और अभी अगर सपोज अगर हम बोलेंगे ना बेटा जा बेटा आलू ले आ, तो तू जब जाएगा और जब पूछेगा दुकानदार से कि आलू दे दीजिए, तो तुझसे पूछेगा ना कि भाई कितना केजी चाहिए, 1 kg चाहिए, 1 आलू चाहिए, 1 बस्ता चाहिए, 5 बस्ता चाहिए। तो उसको बोलते हैं बेशर्मी वाला हद, मतलब दो हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए, एक होता है साथी और एक होता है चालाक।
दोनों एक ही वर्ड है लेकिन डिफरेंस दोनों में बहुत चीज़ है। चालाक बहुत जगह काम भी नहीं करता है, ठीक है, उसमें फंस जाते हैं, साथी हर एक जगह काम करता है। तो वही होता है मैग्नीट्यूड वाला काम, कि ये कोई भी चीज़ को नहीं देखता है, ये खाली एक ही चीज़ को देखेगा जो परफेक्ट में आएगा, उसको बोलते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स खाली वजनदार वाला चीज। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मीन्स ये थोड़ा सातिर है, ये चालाक है लेकिन ये सातिर है, ये वजन भी देखेगा और डायरेक्शन भी देखेगा। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चर में खास करके आप लोग सुनते हुए रहोगे, एयर जेट होता है, एरोप्लेन्स होते हैं, वहाँ पर एक रडार लगा हुआ रहता है, एक मतलब उनका एक डेफिनेशन रहता है कि अगर सपोज वो पूछे, अगर कोई भी एयर बेस के बेस पॉइंट में बैठ के अगर कोई पूछता है कि आपका अभी कहाँ पर है, आपका एयर जेट के एरोप्लेन के हेलीकॉप्टर कहाँ पर है, तो वो बताता है कि 23 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स द 23 डिग्रीज मैग्नीट्यूड, मीन्स वो आपको 23 डिग्री बता रहा है 360 डिग्री में से, और एक डायरेक्शन भी बता रहा है कि आपका वो नॉर्थ के साइड में 23 में है, तो आप वहाँ पर जाइए वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही दोनों में रहता है कि स्केलर और वेक्टर। स्केलर का एग्जांपल, जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल हम आपको बताते हैं, स्केलर का एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, और वेक्टर का रहता है वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर में डेफिनेशन क्या है, देखिए मैं आपको इजी समझाता हूँ कि सपोज ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये एक ट्रेंगल है और ए यहाँ पे खड़ा है और बी यहाँ पे खड़ा है और दोनों का बेस पॉइंट है सी, दोनों को सी में पहुँचना है। तो जैसे ही सीटी मारा सपोज कोच, तो बी वाला क्या किया, बी है एक्चुअली डिस्टेंस, ठीक है, बी को डिस्टेंस हम कह रहे हैं, तो बी वाला क्या किया, ऐसे गया फिर ऐसे आया और सी में आके पहुँच गया। तो बी ठीक है चालाक था, मैं मानता हूँ, जैसे मैं बताया कि बी चालाक है जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर भी कोई कमती नहीं है, वो सातिर है, वो चालाक के साथ सातिर वाला काम करता है, जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ए ना, अगर ए भी चाहता तो ऐसे आके ऐसे जाता, लेकिन ए ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसे ऑलरेडी बी और ए को पता, मतलब बताया गया है कि आपको सी ही आपका फाइनल पोजीशन है। लेकिन बी ने क्या किया, बी भी चाहता तो ऐसे जा सकता था, लेकिन बी ने क्या किया, अपना पाथ चेंज कर दिया और ए डायरेक्शन चले गया। इसका मतलब ये चीज़ है, मैं आपको अभी फिजिकली समझाता हूँ। सपोज हम यहाँ खड़े हैं ए में और हम अगर 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, हम अगर 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं फिर रिटर्न 5 किलोमीटर जाते हैं, तो डिस्टेंस में प्लस होता है, काउंटिंग होगा, 5 + 5 = 10। आई रिपीट वन सेकेंड, अगर मैं 5 किलोमीटर आगे जाता हूँ और फिर 2 किलोमीटर पीछे आता हूँ तो डिस्टेंस में क्या होगा, प्लस होगा, मीन्स 5 + 2 कितना हुआ, 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही उल्टा काम करता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में आता है। जैसे कि सपोज अगर हम 5 किलोमीटर आगे गए फिर बैक अगर हम 2 किलोमीटर आए तो जितना बचेगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, तो 3 हो गया डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मतलब आप 5 किलोमीटर गए और फिर 5 किलोमीटर वापस आ गए वही डायरेक्शन में जो कि बैकवर्ड है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हैं। जैसे कि आपका NCERT अदरवाइज ऑल इन वन में भी एक क्वेश्चन है कि एक आदमी दिल्ली से चंडीगढ़ गया फिर चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए बेटा डिस्टेंस क्या, सपोज दिल्ली से चंडीगढ़ गया 720 किलोमीटर, सपोज जस्ट एन एग्जांपल, और चंडीगढ़ से अगर दिल्ली आए तो 720 + 720 दोनों प्लस हो के आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और MCQ में यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आप समझ में आया, तो डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज एन एक्चुअल लेंथ, मतलब दे आर नॉट द चीटर्स, जो डिस्टेंस कवर करता है वो चीटबाजी नहीं है, वो क्या करता है, सीधा चलता है, सीना ठोक के चलता है। जैसे कि बी है, इसको यहाँ पहुँचना था, चाहता तो चीटिंग करके यहाँ पहुँच जाता लेकिन नहीं पहुँचा, वो अपना डिस्टेंस कवर करके पहुँचा। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई इट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उसका
इसमें ना क्या है कि अब देखिए कि जैसे कि इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ई रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ई रेस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे कि वो रोड के ऊपर रेस्पेक्ट नहीं देना, मीन्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी अगर मुझे सपोज अगर आपका घर पहुंचना है तो बरमपुर में एक चीज़ है कि आपको सीधा रोड तो मिलेगा नहीं, आपको बरमपुर के कहीं भी चले अगर NH रोड छोड़ के अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको सीधा तो मिलेगा नहीं, तो आपको टेढ़ा लेफ्ट राइट आड़ा ताड़ा जाना पड़ेगा। तो उसको हर एक डिस्टेंस और स्पीडोमीटर में गिना जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन एक्चुअली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ई रेस्पेक्टिव, नॉट रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ई रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। SI यूनिट है मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। ये चीटर, ये एक्चुअली चीटर नहीं है, ये अच्छा आदमी है, थोड़ा चीटर है। चीटर मतलब माने जो इजीरे मुझे जो कहबी ब्रह्मपुर लैंग्वेज सत कथा कहले बोले, देखो लॉकडाउन चलती तुम्हें बाहर तो जापर नहीं, मेन रोड में जापर नहीं, पुलिस मैंने से आराम से बस तुमको धरदे, तो ये कौन शॉर्टेस्ट पाथ खोजें, मैंने गली भितर पशिक गली गली आम पड़ू। तो शॉर्टेस्ट पाथ माने जो कि डायरेक्शन थी, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मीन स्पीडोमीटर में आपका मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा होगा, फिर डायरेक्शन भी दिखा रहा होगा कि आप 22 किलोमीटर नॉर्थ में गए, देन यू हैव टू चेंज योर एम एंड यू आर कवर द 20 किलोमीटर साउथ और वट एवर में बी ईस्ट, दैट योर चॉइस। सो जिसमें डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक सहमत करते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बहुत बढ़िया चीज़ है, और जैसे कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात बताया, तो देखिए अचानक एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जब एक मैच चलता है तो सर बॉलर बॉलिंग करता है तो सर पता कैसे चलता है कि सर वो इतना स्पीड में बॉलिंग किया, 80 में 90 में कि 120 में कि 150 में। तो देखिए बेटा, जो बॉलर बॉलिंग करता है उसको बोलते हैं रडार गन, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि हमने गाड़ी का डिस्टेंस स्पीडोमीटर में मेजर करते हैं, सॉरी ओडोमीटर में मेजर करते हैं, गाड़ी का डिस्टेंस और गाड़ी का स्पीड हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर में। ये है पहला चीज़, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकली हाई इशू में रहता है, जो कि बहुत सारे टेक्निकल में लेस हुए रहते हैं। जैसे कि आप बाहर के हॉलीवुड कुछ ऐसे न्यूज़ में या फिर हॉलीवुड पिक्चर में देखे हुए रहेंगे, कुछ गन टाइप का रहता है, अगर कोई गाड़ी NH रोड से बहुत स्पीड में आता है वो लोग दिखाते ही उसमें उसका स्पीड पता चल जाता है, फिर उसके ऊपर केस भी होने लगता है। तो यही चीज़ है कि जो जब बॉलर बॉलिंग करते हैं, चाहे वो राइट साइड में हो कि लेफ्ट साइड में हो, तो दोनों जगह उस रडार गन का यूज होता है, जिसके कारण बॉलिंग का स्पीड बॉलर का स्पीड उसमें कवर हो जाता है। अब रहता है जब बॉलर स्पीड से फेंकता है तो बैट्समैन भी नहीं छोड़ता है, बैट्समैन भी हरामी है, बहुत जोर से मारता है और छक्का चौका मारता है, तो फिर बैट्समैन का स्पीड और बैट्समैन का डिस्टेंस कैसे पता चलता है, मतलब पता चलता है कि कितना डिस्टेंस। अब बैट्समैन छक्का मारा 80 सेंटीमीटर गया कि 96 गया कि 120 गया कि 126, उसमें बैट्समैन में कैसे पता चलता है, तो उसको जो पता करने वाला जो चीज़ है, जो डिवाइस है, उसको बोलते हैं हॉक आई, HAWK हॉक आई, जिसमें एक रडार लगा हुआ रहता है, वो पूरा फील्ड का एक डिस्टेंस पूरा मतलब माप लेता है, जिसमें कि अगर आप कहीं भी अगर उसको अगर बॉल जाएगा तो उसका डिस्टेंस वो बता देता है विथ स्पीड के साथ। बहुत हाई लेस ये रहता है, लेंसेस रहता है, और बहुत हाई टेक्निकल भी लेस हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें छोटा मोटा बात थोड़ा सिखाने का चीज़ हो गया, तो बता दिए। आज जस्ट कॉन्सेप्ट क्लास था, कैसा लगा मुझे कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। कल मैं इसका इससे भी बहुत बढ़िया आऊँगा और बहुत बढ़िया क्लास होगा, बहुत लॉन्ग टर्म तो लूँगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय ऑल ऑफ यू।